कहाँ से आ रही हो? भाई कुछ बोलो तो सही। अभय के पास गई थी। क्यों? मुझे लगा अभय ने सीमा को अपने नाटक की सच्चाई बता दी है और वो यहाँ आई और मुझे भला बुरा कहकर चली गई। हेमलता, तुम्हें नहीं लगता कि सीमा को विशाल से मिलाने की कोशिश में अपनी सीमाएं लाग रही हो तुम? क्यों? जब सीमा विशाल से शादी नहीं करना चाहती, विशाल भी अकेला रहना चाहता है, तो तुम क्यों उन्हें एक करना चाहती हो? आपसे कहूंगी तो आपको अजीब लगेगा। कहो तो सही। एक बात तो ये कि विशाल की बच्ची को मां मिल जाएगी और दूसरी बात, अरुणा मां नहीं बन सकती, ये तो आप भी जानते हैं। विशाल की शादी से अरुणा का क्या मतलब है? इस खानदान को वारिस नहीं चाहिए? एक बेटा वारिस नहीं दे सकता, दूसरी बहू पोती देकर चली गई। वंश आगे कैसे चलेगा? लड़की तो वंश नहीं चला सकती। विशाल की शादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हेमलता, जबरदस्ती से तो वंश नहीं बढ़ाया जा सकता है ना? बच्चे अपनी मर्जी से चलते हैं, पर बड़ों को तो पूरे खानदान का ख्याल रखना पड़ता है। कोशिश तो करनी पड़ेगी। आज विशाल और सीमा का फैसला कुछ और है, कल बदल भी तो सकता है। कैसे? मुझे तो नहीं लगती उम्मीद। मुझे है ना, एक रास्ता और भी है। क्या? बताओ। क्या? 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 माँ जी, मैं सोच रही थी इसके बाल दोबारा उतरा दें। क्यों? नहीं, बारीक है ना थोड़े, लड़की है ना, अब इसे नहीं देखूंगी तो रूप रंग का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो क्या बात है मुझे, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। परेशान तो हूं, जो मैंने दूसरों के साथ किया वही मेरे साथ हो रहा है। आसमान पर उछाली हुई धूल अपने ही चेहरे पर आकर पड़ती है नबो। लेकिन हुआ क्या माँ जी? विशाल को मनाने के बहाने ढूंढ रही थी, आरती को बहू मानते मानते उसके अंत समय में उस पर इल्जाम लगा बैठी। पाप कर लिया, उस पाप का प्रायश्चित करना चाहा, विशाल और सीमा को एक करने की कोशिश की तो सीमा स्वार्थी समझ बैठी। समझ में नहीं आता विशाल और सीमा की शादी हो तो कैसे हो। बहू जी, किरण को विशाल के पास छोड़ दो। क्यों? वहां इसे कौन संभालेगा माँ जी? वहां इसे संभालने वाला कोई नहीं होगा, यही सोचकर मैंने कहा किरण को विशाल के पास छोड़ दो। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आदमी को जब उलझन होती है तो वो सुलझाने की कोशिश करता है, कमी को पूरा करने की कोशिश करता है। ये बच्ची यहां रहेगी तो विशाल अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा,
उसे ना किसी की कमी महसूस होगी ना कोई उलझन होगी, तो वो शादी करने की बात सोचेगा भी नहीं। अगर ये बच्ची वहां रहेगी तो वो इसे संभाल नहीं पाएगा। इसके लिए माँ की जरूरत महसूस होगी और वो जरूरत ही शायद विशाल और सीमा को एक दूसरे के नजदीक ले आए। किरण को तो मैं संभाल रही हूँ नमा जी, फिर आप विशाल और सीमा को मिलवाने के लिए इसे सीढ़ी क्यों बनाना चाहती है? कड़ी है जो विशाल और सीमा को जोड़ सकती है बहू। नहीं माँ जी, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। बहू नहीं, इसे लेकर मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं माँ जी, उन सपनों को टूटने नहीं दे सकती मैं। किरण सिर्फ मेरे पास रहेगी, सिर्फ मेरे पास। विशाल, विशाल तुम किरण को लेके यहाँ क्यों आ गए? माँ का फोन आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं किरण को अपने साथ ले जाऊं। लेकिन मैंने तो माँ जी से कहा था कि मैं किरण को किसी के पास नहीं जाने दूंगी। ये मेरी बच्ची है, आपका क्या हक है इस पर? मैं इसकी ताई हूँ। मैं इसका पिता हूँ, आपका रिश्ता दूर का है। मैं इसके बगैर जी नहीं सकता। मैं भी तो इसके बिना जी नहीं सकता। अगर आपको बच्चों का इतना शौक है तो अपनी संतान को जन्म क्यों नहीं देती? अगर मेरे भाग में संतान का सुख होता तो मैं तुम्हारी बच्ची को थोड़ी गले से लगा के घूमती, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती। किरण को मुझसे अलग मत करो विशाल, मत करो। नहीं भाभी, माँ की बात मैं टाल नहीं सकता। अगर उस घर के बड़े इसे वहां रखना नहीं चाहते तो मैं इसे वहां क्यों रखूं? मेरी बच्ची अनाथ नहीं है। अगर उन्होंने चिड़ में आकर इसका कुछ बुरा कर दिया तो कौन होगा उसका जिम्मेदार? आप बेकार जिद कर रही है भाभी, मैं इसे वहां नहीं भेजूंगा। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता भाभी, इस बच्ची के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं, आप चली जाइए यहां से। बेटी, नया रास्ता बनाना मुश्किल है लेकिन पुराने रास्ते को संवारना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। औरत अपनी नई गृहस्थी बसाने में पूरी जिंदगी गुजार देती है लेकिन किसी की उजड़ी हुई गृहस्थी को संभाल लेना औरत की महानता की निशानी है। क्या मैं इसी काम के लिए पैदा हुई हूं? लोग बिखेरते रहे और मैं समेटती रहूं? नहीं, मैं तो कैसे पिता है आप? अपनी बेटी के लिए कुंवारा दूल्हा ढूंढने के बजाय एक शादीशुदा पति को सौंपने की वकालत कर रहे? कहीं हेमंत अग्रवाल ने कोई लालच तो नहीं दे रखा है आपको? सीमा, तो क्यों नए घर के बजाय खंडरों को सजाने की कोशिश कर रहे हैं? बेहतर होगा पापा कि आप इन सब मामलों से दूर रहें। भाग रहे हैं? जगह बदल लेने से जज्बात बदल जाएंगे? अब दूरियां यादों को धुंधला कर देती हैं। ना यहां रहूंगा ना नाटकों का सहारा लेना पड़ेगा। मैं कहां जाऊं? का हुआ आदमी दूसरों को रास्ता नहीं दिखा सकता, मुझसे क्यों पूछ रही? इसलिए अब है कि तुम मेरी जिंदगी का सहारा हो। तुम्हें बताओ मैं कहां जाऊं? मुझे यहां से जाने दो, फिर खुद तय हो जाएगा कि तुम्हें कहां जाना चाहिए। तुम्हारे सामने तय नहीं होगा,
नहीं, दीवार टूटेगी तो आसमान दिखेगा, मैं जाऊंगा तो कोई और मिलेगा। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम मुझे नहीं रोक सकती सीमा। मैं तुम्हें रोक सकती हूँ, मेरी जिद की सीमाएं नहीं जानते तुम। किस हक से जिद करोगी तुम? रिश्ता टूट चुका है, नौकरी छोड़ चुका हूँ, इस्तीफा तुम्हारे पास है, किस हक से रोकोगी तुम मुझे? प्यार के हक से। कोई चीज तब टूटती है जब वो किसी से अलग हो जाए। तुम मुझसे अलग हुए हो, मैं नहीं। और इस्तीफा ये रहा, ये नौटंकी रहने दो, मैं तुम्हें मिलने वाला नहीं हूं। मगर क्यों? विशाल की थाली में छोड़े हुए टुकड़े से मैं अपना पेट नहीं भरूंगा। जिस कागज पर विशाल का नाम लिखा हो उस पर अपनी कहानी लिखने का मुझे कोई शौक नहीं। क्या बात है, क्या सोच रही हो? पता है क्या हुआ? क्या हुआ? माँ जी मेरी भी दुश्मन हो गई है। क्या? दुश्मन और तुम्हारी? हाँ। क्या क्या उन्होंने? उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है ना, मेरी गोद भर कैसे गई। ये तुम क्या कह रही हो? माँ जी कह रही है कि किरण को विशाल के यहाँ छोड़ दे। क्यों? विशाल को इसका यहाँ रहना पसंद नहीं है। नहीं नहीं, विशाल ने कुछ नहीं कहा, माँ जी कह रही थी उनसे मेरी खुशी बर्दाश्त क्यों नहीं होती है। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है, डर लगने लगा है। डर किस बात का? मेरी गोद खाली है ना, मैंने सोचा होगा किरण पास रहेगी तो मेरी किस्मत में जो खालीपन है वो कहीं भर न जाए। कहीं बच्ची पर मेरी बांझपन की छाया न पड़ जाए, इसलिए दूर कर देना चाहती हूँ मुझसे। अरुणा नहीं, अरुणा तुम गलत सोच रही हो, और ये भी तो सच्चाई है ना कि आखिर है तो विशाल की बेटी, हमारा इस पर अधिकार ही क्या है? तुम भी अपनी माँ की तरह बात करने लगे शेखर। हाँ नहीं, मैं तो सिर्फ नहीं करोगे, तुम भी तो यही चाहते हो ना कि मैं अपने आप को किसी और के साथ ना बांटूं। ना क्या अजीब सी बात कर रही हो तुम? जानती हूँ मैं, टोकी भी जा चुकी हूँ, जब से बच्ची आई है सबको भूल गई हूँ मैं, तुम्हारी और माँ जी की सेवा नहीं कर पा रही हूँ ना ठीक से, खटकने लगी हूँ सबको, स्वार्थी जो हो गई हूँ। नहीं गए? नहीं, वो कल रात से तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो डॉक्टर के पास जाओ। नहीं इतनी खराब भी नहीं है, बस थोड़ी सी थकान है। अरुणा कहाँ है? पता नहीं, सुबह कहीं चली गई। किरण को लेकर गई है? उसे कहाँ छोड़ती है वो? पागल है, दूसरे के संतान से इतना मोह, वो भी लड़की से। उसे पता नहीं लड़कियां छोड़कर चली जाती हैं। पता है माँ, लेकिन आप तो अभी से अलग करना चाहती हैं। अरुणा सिर्फ अपने बारे में सोच रही है,
मैं सबके बारे में सोचती हूँ। लेकिन माँ अगर किरण को अरुणा ही पाल लेगी तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी? तो कल होना है, वो आज ही क्यों ना हो शेखर। देखिए आप विशाल और सीमा को मिलाना चाहती हैं, तो मिलाइए ना, किरण को क्यों इस्तेमाल कर रही है? इस क्यों का जवाब मैं बहू को दे चुकी हूँ। आप जानती हैं आज अरुणा हमें अपना दुश्मन समझने लगी है। दुश्मनी कौन कर रहा है? उसके दिमाग में ये बात बैठती जा रही है कि हम बच्ची को इसलिए दूर कर रहे हैं क्योंकि वो उसकी वजह से हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही। मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन वो तो ऐसा ही सोच रही है माँ। तो मैं क्या करूँ? वो सीधी सी बात का गलत मतलब निकालती है तो गलती उसकी है, मेरी नहीं। फिर तो वो भी आरती की तरह आपको गलत समझने लगी। वो खुद गलत है। आरती तो एक बच्ची हमारी गोद में डालकर चली गई, अरुणा ने तो वो भी नहीं किया। मैंने कभी इस बात को छेड़ना नहीं चाहा। कोई और सास होती तो दिन रात ताने कसती। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं उसकी कमजोरी जानती हूँ, मगर वो मुझे गलत समझेगी ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। किरण विशाल के पास जाएगी बस। ठीक है माँ, ठीक है माँ, आपकी आज्ञा पूरी होगी। ठीक है मैं अरुणा को समझा दूंगा। जो अरुणा की नजरों में है वो सब उसका थोड़ी ना हो जाए। मैं समझाऊंगा माँ उसको।